स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय साथ ही गृह मंत्रालय के परामर्श के बाद रेल मंत्रालय द्वारा 1 जून से ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है, जहाँ चक्करधरपुर मंडल के टाटानगर रेलवे स्टेशन से 70 दिनों के बाद टाटानगर से चलकर दानापुर एक्सप्रेस रवाना किया गया। सोमवार से शुरू हुई ट्रेन सेवाओं के लिए चक्करधरपुर मंडल ने दिशा निर्देश जारी किया है, जहां सर्वप्रथम टाटानगर से चलकर दानापुर जाने वाली एक्सप्रेस टाटानगर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंधन किए गए थे, जहां हजारों की संख्या में यात्री दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन से अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुए। वहीं यूनिवर्सिटी में मुरादाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और 20 मार्च को मैं यहाँ पर आया हुआ था अपने वाइफ से मिलने के लिए, बट यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से फंस गया था। अभी वापस से मैं बलिया जा रहा हूँ, वहाँ से फिर मुरादाबाद जाऊँगा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से फंसे हुए थे, क्या मन में उम्मीदें थी कि कब से ट्रेन शुरू हो, कब मैं अपने घर जाऊं, कैसा लग रहा था? नहीं, सबसे पहले सेफ्टी का इंस्ट्रक्शन था, तो जो प्राइम मिनिस्टर का सेफ्टी का इंस्ट्रक्शन था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पालन करना था, बट जैसे जैसे अब इकनॉमी की वो कंडीशन को देखते हुए चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, तो हमें अब आगे बढ़ना है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने सफ़र को आगे बढ़ना है। आपका शुभ नाम? उमेश कुमार सिंह। स्टूडेंट हूँ मैं, एल एन कैरी इंस्टीट्यूट में मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ। हमें कोटा में बहुत सारी दिक्कतें होती थी, हॉस्टल्स बंद होते थे, तब बहुत अच्छा गवर्नमेंट झारखंड गवर्नमेंट ने स्पेशल ट्रेन चलाई, जिसके कारण हम 3 मई को यहाँ जमशेदपुर आ पाए नानी के लिए। अभी हम फाइनली अपने घर पटना जा रहे हैं, पापा इंडियन आर्मी में, वो भी पटना आ जाएंगे फ्लाइट। अच्छा, जब कोटा से ट्रेन चलाई गई थी तो आप सीधे कोटा से पटना नहीं जा पाए? हाँ जी, पहले झारखंड में ट्रेन चला दी, पापा के पास हम जा नहीं सकते थे, मणिपुर काफ़ी दूर है, तो अब अपने नानी के घर यहाँ आ गए। अब यहाँ से आप जा रहे हैं अपने घर? जी। कैसा लग रहा है, सोशल डिस्टेंस या सारी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ? यहाँ की सुरक्षा बहुत ही अच्छी थी, बाहर भी, स्टेशन के बाहर भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन की थी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है, तो हम भी अपनी तरफ से पूरी प्रोटेक्शन से जा रहे हैं। अन्य लोगों को आप क्या कुछ आह्वान करते हैं कि अगर वो ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं तो क्या कुछ सुरक्षा का ख्याल रखेंगे? जी देखिए, गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, ये ट्रेन चला रही है, फ्लाइट चला रही है, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी पूरी प्रोटेक्शन के साथ जाएं। आपसे जितने पुलिस वाले बाहर हैं सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो आप उनको प्लीज़ फॉलो करिए, ग्लव्स पहन के जाइए, रेगुलरली हाथ को सैनिटाइज करिए, ग्लव्स रखिए, यही है।